जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव ओबीसी आरक्षण के बिना घोषित किए गए हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में नकारात्मक ओबीसी राजनीतिक आरक्षण का ठीक से बचाव नहीं किया। इस वजह से ओबीसी समुदाय के साथ अन्याय के विरोध में हिंगना के विधायक समीर मेघे के नेतृत्व में हिंगना में महाविकास अघाड़ी सरकार विरोधी आंदोलन का आयोजन किया गया। उपस्थित लोगों में अंबादास उके, संध्या गोटमारे, राजेंद्र हरडे, सुजीत भोयर, सुचिता ठाकरे, सुरेश कालबांदे, विनोद ठाकरे, कैलाश गिरी, सतीश झाकर, विशाल भोसले, देवराव कड़ू, महेश लोखंडे, आनंद धड़ांगे, पुरुषोत्तम लिचड़े, कमलाकर इंगले, विनीता गलमाड़े, सीमा, अंजलि कानफोड़े, विकास दाभेकर, अनिल सनकपुरकर, लीलाधर पाटले, शार्दुल कथलकर, गजेंद्र खोबे, प्रवेश भाबरा, मंगेश हरने, भक्तराज भोयर, मधुकर बर्वे, कमलेश खोबरागड़े, सुरेश ठाकरे, जयसिंह पतले, सिद्धार्थ वानी, विक्की कैकड़े, किशोर बिडवैक, रोहित शिंगाने, अरविंद धोने, राजेश बोरकर, सुधाकर महाजन, राजू घटले, चिरकुट मिश्रा, प्रदीप बावनताड़े आदि सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। महाविकास आघाड़ी सरकार के निर्णय के कारण उन्होंने आरक्षण के केस को सीरियसली नहीं लिए, जितना उन्होंने फॉलोअप लेना चाहिए उतना फॉलोअप नहीं लिए। आज आयोग बिठाए, आयोग बिठा के आज उनको शादी एक खुर्ची भी उपलब्ध करके ये सरकार ने नहीं दिया। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है वो सिर्फ केवल और केवल ये महाविकास आघाड़ी सरकार ने वो सीरियसली नहीं लिया, इसलिए आज ओबीसी का जो राजकीय आरक्षण था वो खत्म हो चुका है। और आने वाले 5 तारीख को नागपुर जिले में जो पोट निवडणूक है वो पोट निवडणूक में भारतीय जनता पार्टी को ओबीसी जनता छोड़िए तो पूरे जनता बड़े पैमाने पे आज आके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को चुना के देंगे। और जो अन्याय इन ओबीसी के ऊपर किया है ये ओबीसी समाज ये महाविकास आघाड़ी सरकार को छोड़ेंगे नहीं, इनको धूल चाटने सिवा ये छोड़ेंगे नहीं, मैं इतना आपको बताना चाहूँगा। बीसीएन न्यूज के लिए हिंगना से संवाददाता की रिपोर्ट।